नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में यानी सीमाज खाना में। और आज हम बनाएंगे पोटैटो बाइट्स। पोटैटो बाइट्स तो बहुत तरीके से बनते हैं, पर आज थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे। आज हम बनाएंगे पोटैटो बाइट्स जो आलू का है, वो कोरियन पोटैटो बाइट्स बनाएंगे। तो आइए उसे बनाने के लिए रेसिपी शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल और कम इंग्रेडिएंट्स में बनके रेडी होता है। 3 मीडियम साइज के आलू लिया है। आलू को हम ऐसे कट कर लेंगे और ऐसे सब्जियों की तरह ऐसे पीसेस में कट कर लेंगे। सारे आलू को ऐसे ही कट कर लेना है। यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से इसे कट कर लिया है। 2 से 3 पानी आलू को धो दिया है। और यहाँ पे हमारा देख रहे पानी में उबाल आ गया है। हमने पैन में पानी गर्म किया है, इसको हम इसी के अंदर ऐड कर लेंगे। यहाँ हमें सॉल्ट या सोडा नहीं डालना है, सिर्फ आलू डाल के उबाल लेना है। तो फटाफट हम इसे उबाल लेते हैं। तो आलू हमारे यहाँ से अच्छे से उबल गया है, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे आलू को अच्छे से छानेंगे और इसे एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने आलू ले लिए हैं, बाहर निकाल लिए हैं। तो इसे हम डाल देंगे इधर बाउल में। तो इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे हम मैश कर लेंगे। हमने यहाँ मैशर लिया है और अच्छे तरीके से इसमें पिनल लम्स का इसे हमें मैश कर लेनी है। यहाँ पे हमने आलू को अच्छे तरीके से मैश कर लिया है, यहाँ देखिए बहुत ही फाइन। और अब हम इसमें डाल देंगे यहाँ पे स्टार्च। कॉर्न स्टार्च हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं और इसे हम आटे की तरह गूंथ लेंगे। इससे बहुत ही अच्छी वाइंडिंग हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा डो बन के रेडी हो गया है। और इसको अब हम एक अच्छे छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। एक एक लेके यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बॉल बनाएंगे। आइए फटाफट बॉल तैयार करते हैं। ये देखिए चिकना चिकना सा बॉल बना के रेडी करना है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से एक बॉल बनाया है। बॉल को राउंड करेंगे। हमने हाथ को वॉश कर लिया है और अब हम इसे इस बोतल के हेल्प से इसे थोड़ा सा पिंच कर देंगे। इससे थोड़ा सा इसमें डिजाइन बन जाएगा, देखने में बहुत बढ़िया ही लगता है ये। तो फटाफट हम इसी तरीके से बहुत सारे बॉल्स बना लेंगे। साइज आप छोटा बड़ा रख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने बहुत सारा पोटैटो बाइट्स बना के रेडी कर लिया है। तो आइए चलते हैं हम आगे के प्रोसेस में। तो यहाँ पे हमने पैन में पानी उबलने के लिए रखा है। पानी में अच्छे उबाल आ गए हैं, इसके अंदर में ये बाइट्स ऐड कर लेंगे। 4 से 5 मिनट तक हमें इसे उबाल लेना है। ज़्यादा नहीं डालना, जितना आता है उतना ही इसमें इजी तरीके से जितना आ जाए उतना ऐड कर लेना है। ऐसा 4 से 5 मिनट तक उबलते देना है। ये रहा, हमने सारा ऐड कर लिया है। जो बाकी का है वो हम दूसरे बैच में उबाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने ये देखिए बाइट्स अच्छे से उबल गया है, तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे बॉल्स लेंगे और बॉल्स के अंदर डाल देंगे यहाँ चिल्ड वाटर। हमने वहाँ जो है बॉल्स में वाटर डाल लिया है। अब इसे हम एक एक करके निकालेंगे और इसी के अंदर ऐड कर लेंगे। बॉल के अंदर इसे डाल देंगे। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे से जो है हार्ड हो गया है, थोड़ा सा टाइट हो गया है ये। अब इसे हम अच्छे तरीके से जो है बॉल से बाहर निकाल लेंगे। ये देख रहे हैं, और पानी को हम बाहर फेंक देंगे। यहाँ पे हमने सारे बॉल्स ले लिए हैं बाइट्स, और यहाँ हम बॉल में इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पीसी हुई चीनी। यहाँ 1 चम्मच हमने यहाँ पे चीनी लिया है।
और यहाँ हम डाल देंगे नमक, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। यहाँ पे हमने नॉर्मल नमक यूज़ किया है, आप चाहे तो काला नमक यूज कर सकते हैं, बट नॉर्मल आसानी से आप घर में मिल जाएगा और आप डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार हमने नमक डाल दिया है। थोड़ा सा यहाँ पे रेड चिल्ली ऐड कर देती हूँ और इसमें डाल देनी है हमें ये ओनियन, और इसी के साथ हम डाल देंगे यहाँ पे कटा हुआ गार्लिक। और अब करेंगे हम यहाँ ऑयल को गर्म। आइए फटाफट हम ऑयल गर्म कर लेते हैं। यहाँ पे हम ऑयल को यहाँ डाल लेंगे, एक चम्मच ऑयल ले लिया है, इसे हम गर्म कर लेंगे। हमने उसी पैन में यहाँ ऑयल गर्म कर लिया है, थोड़ा सा और स्मोक आने देते हैं इसके अंदर तो तेल अच्छे से गर्म हो जाए। तो यहाँ पे हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब इसके अंदर ही हमें ऐड कर लेंगे। और इसे हम टॉस कर लेंगे, बिल्कुल आपको कलरफुल पोटैटो बाइट्स बन के रेडी है कोरियन स्टाइल में। थोड़ा सा मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और अब इसे हम सर्विंग बाउल में सर्व कर लेंगे। तो लीजिए बन के रेडी हो गया है, अब इसे हम सर्व करते हैं। सर्व करने से पहले डाल देंगे इसमें सोया सॉस। तो यहाँ पे हमने एक चम्मच सोया सॉस ऐड कर लिया है, आप तड़के के पहले भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो लीजिए हमारा ये कोरियन स्टाइल पोटैटो बाइट्स बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे 100% श्योर है इसे सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये डिश बना के रेडी कर लिया है। थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेंगे ये जो है ग्रीन वाला प्याज ऑनियन, और फटाफट इस रेसिपी को बनाइए, ट्राई कीजिए, खाइए, आपको बहुत ही पसंद आएगा, बच्चों को भी और ज़्यादा पसंद आएगा। तो अपना अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए, बिल्कुल सिंपल रेसिपी है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स। चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।